morning to all the students. Hope you are doing good. Today we are going to do stationery in our vocabulary words. Let's start. I have some stationery with me. I'll let you know about the stationery one by one according to the written words. Starting from tape roll. What is tape roll? I will show you. This is tape roll. This is small tape roll, right? और बहुत सारे टेप रोल्स अवेलेबल होती हैं. दिस इज कलर्ड टेप रोल और बड़ी ट्रांसपेरेंट टेप रोल्स भी अवेलेबल होती हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज बिग वन, दिस इज ट्रांसपेरेंट टेप रोल एंड दिस इज द मशीन ऑफ टेप रोल. दिस इज कॉल्ड टेप रोल डिस्पेंसर. सो इसको टेप रोल डिस्पेंसर भी बोला जाता है और ये टेप रोल होती है जो हम इसके अंदर ग्रिप करके अच्छे से टेप को यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर जो इसके यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लेड्स लगे हुए हैं जिससे हम इसको काट सकते हैं. ये बेसिकली सिंगल हैंड यूज के लिए यूज होता है. सिंगल पर्सन बड़े ही इजीली इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सीजर से जब हम टेप को काटते हैं तो वो उसके साथ स्टिक हो जाती है. इसके साथ स्टिक नहीं हो, राइट? दिस इज टेप रोल एंड दिस इज टेप रोल मशीन. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, पेन. What is pen? You all knows this is pen with cap. This is pen. This is available in multiple companies. हर company का available होता है pen और हर color में available होता है. Market में easily मिल जाता है, right? Next is pencil. I'll show you for the juniors. This is pencil, right? हम इसके साथ write करते हैं और pencil का जो nib होता है उससे लिखी हुई कोई भी चीज इरेज हो सकती है. नेक्स्ट इज निब. अब निब क्या होती है मैं आपको बताऊंगी. जैसे हमने कलरफुल पेंसिल ली है जो इसका सिक्का है इसको निब बोलते हैं, जिसके द्वारा ये राइट की जाती है, राइट? नेक्स्ट इज इंकपॉट. इंकपॉट आप सबको पता है जो इंक पेन्स होते हैं उसका पॉट होता है, उसमें इंक फिल की होती है, इंक पेन में डाली होती है, उसको इंक पॉट बोला जाता है. पुराने टाइम में बहुत हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी तब इंक पॉट्स बहुत ज़्यादा यूज होते थे. उस पॉट के अंदर छोटे से पॉट होता था, उसके अंदर इंक फिल की होती थी और लोग उसके साथ राइट करते थे. डिपेंड करता था पर वो किस चीज के साथ राइट करते हैं. नेक्स्ट इज बुक. यू ऑल नो बट स्टिल आई शो यू. दिस इज बुक, राइट? जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं. लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं और बुक्स को पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पेपर. यू ऑल नोस दिस इज पेपर, राइट? ऑन पेपर वी कैन राइट, इसको कागज बोलते हैं. और ऑफिस के अंदर भी ये कागज अवेलेबल होते हैं और बुक्स के अंदर भी कागज अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज पंचिंग मशीन. अब पंचिंग मशीन क्या होती है? दिस इज पंचिंग मशीन. दिस इज लाइक इसको पंच करते हैं, इसको पंचिंग मशीन बोला जाता है. ये किसका मानती है? फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, इस पेपर को हम सेंटर से पंच कर देंगे तो इसके अंदर होल्स हो जाएंगे. देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स जब हो जाते हैं तो हम इसको फाइल में इजीली लगा सकते हैं. फाइल में स्ट्रिंग्स अवेलेबल होते हैं और उसको इसमें डाल के अपनी जो पेपर फाइल है वो रेडी कर सकते हैं, राइट? इसको वेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज शॉर्पनर. यू ऑल नोस पेंसिल को शॉर्प करने के लिए शॉर्पनर्स यूज होते हैं. दिस इज शॉर्पनर और ये पेंसिल के साथ इसको शॉर्प किया जाता है, राइट? नेक्स्ट इज गम. गम क्या होता है? पेपर को आपस में स्टिक करने के लिए, ठीक है, हम गम का यूज करते हैं. दिस इज गम. इसमें स्टिकी मटेरियल होता है, वो यूज होता है पेपर को आपस में स्टिक करने के लिए. नेक्स्ट इज रबर, सॉरी टैग. व्हाट इज टैग? नाउ टैग इज हमारे जो आई कार्ड्स होते हैं, आई कार्ड्स के लिए जो स्ट्रिंग है इसको टैग बोला जाता है. फीता या डोरी, राइट? ये इजीली हैंग करने के लिए काम आती है. नेक्स्ट इज रबर और इरेजर.
कुछ भी इसको बोल सकते हैं, आई हैव टू। इसमें बेटा ये बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे आपने कुछ राइट किया पेंसिल से और बाय मिस्टेक वो गलत हो गया या कुछ स्पेलिंग का एरर हो गया, तो इरेजर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है उसको इरेज करने के लिए और रीराइट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज मैप यानी नक्शा। व्हाट इज मैप? मैप इज जैसे इंडिया का नक्शा है, बोर्ड का नक्शा है, तो एक पेपर के ऊपर प्रिंट किया होता है उसको मैप बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड हम बोलते हैं गत्ते। गत्ता यानी गत्ता बॉक्सेस जैसे होते हैं वो वाला गत्ता नहीं, थोड़ा हार्ड कार्डबोर्ड होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली इतने साइज का होता है और रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और उसको इजीली बच्चे पेपर ऊपर रख के यूज करते हैं जब उनके एग्जामिनेशन होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ट्रेसिंग पेपर। अब ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? ट्रेसिंग पेपर इज जैसे हम कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं वो जो हमने एक बार राइट किया वो नीचे दो बार और प्रिंट हो जाए खुद ब खुद, तो ये जो बिल बुक्स के अंदर ट्रेसिंग पेपर ब्लू कलर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, लगाया होता है, ताकि जो हम फर्स्ट कॉपी में राइट कर रहे हैं वो नीचे वाली कॉपी से ट्रेस हो जाए, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए, उसको ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। नंबर नक्सी कागज, राइट। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल यू ऑल नो, इसको मेजरमेंट भी बोला जाता है, दिस इज स्केल, राइट। इसके साथ हम जो अपना मेजर है वो कर सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अखबार जिसके अंदर न्यूज आती है और चारों दिशाओं के बारे में, इंडिया के बारे में, पंजाब के बारे में और पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें पता चलता है, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज मैगजीन। मैगजीन क्या होती है? मैगजीन एक किताब होती है जो कि पर्टिकुलर किसी विषय पे, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर किसी फॉर एग्जांपल फैशन पे, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पे, कोई कॉमिक्स है उनकी मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं, और अपनी जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी लोग मैगजीन्स प्रिंट कराते हैं, स्कूल्स की मैगजीन्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों की मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं जिसमें उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट इज स्लेट एंड चॉक। व्हाट इज स्लेट? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको राइटिंग में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए या फिर एजुकेशन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एक स्लेट लेके दी जाती है जो कि वो चॉक से राइट करते हैं, उसके ऊपर राइट करते हैं, चाहे स्क्रिबलिंग करते हैं, चाहे कुछ भी 1 2 3 ABCD राइट करते हैं। दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बहुत छोटी होती है और लाइक बोर्ड, दिस इज लाइक बोर्ड, बोर्ड के जैसे होती है पर होती छोटी है, जिसके ऊपर बच्चे राइट करते हैं चॉक के साथ। ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज होती थी जब बहुत हाईटेक एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट इज क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स आप सबको पता है क्या होते हैं? कलर होते हैं, वैक्स कलर्स होते हैं, इनको क्रेयॉन्स भी बोला जाता है, वैक्स कलर्स भी बोला जाता है, राइट। इसके साथ हम ड्रॉइंग करते हैं, ड्रॉइंग करके उसके अंदर ये कलर्स फिल होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पिन। अब पिन क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेपर, 5-6 पेपर्स पेपर्स हैं या 2-3 पेपर्स पेपर्स हैं, तो मैंने उनको एक पिन के साथ स्टिक करना है, आपस में जोड़ना है ताकि वो पेपर अलग अलग ना हमें गिरने ना, तो उनके लिए पिंस यूज होते हैं, वेरी स्मॉल, उनका जो देखने में बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत तीखे होते हैं, उनके साथ पेपर इजीली स्टिक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सील। अब सील क्या होता है? सील होता है मोहर। मोहर यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या दुकानें हैं जो बिजनेसेस करते हैं उनके लेटर हेड्स और सील्स अवेलेबल होती हैं, सील के ऊपर उनकी कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, और वो हम ब्लू इंक में उसको गीला करके पेपर के ऊपर स्टिक करते हैं, तो वो जो सील है उसको मोहर इजीली लग जाती है, राइट, उसको सील होता है।
नहीं है, ये इजीली इरेज हो जाता है, ये इरेज नहीं होता, इसलिए इसको परमानेंट मार्कर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्लिप। अब क्लिप क्या होता है, अगेन आई टेल यू विद एन एग्जांपल, लाइक दिस इज अ पेपर, ठीक है, इस पेपर को हम क्लिप के साथ स्टिक कर देते हैं या ताकि ये पेपर हम इजीली देख सके, ये उड़े ना या फिर ये इधर उधर बिखरे ना रहे, तो हम सारे पेपर्स को इकट्ठा करके क्लिप के साथ जोड़ देते हैं, रख देते हैं और ये इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट इज एनवेलप। अब एनवेलप क्या होता है, एनवेलप एक ऐसे कागजी छोटे छोटे बैग्स, छोटे छोटे बैग्स की तरह ये छोटे छोटे लिफाफे होते हैं जिनको जोड़ के आपस में बनाया जाता है, कार्ड के जैसे होते हैं, इनको बनाया जाता है और इसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर आया जाता है, कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा जाता है या फिर इसको पास ही कराया जाता है, इसको एनवेलप बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉटिंग पेपर। व्हाट इज ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर को बिबलस पेपर भी बोला जाता है। व्हाट इज बिबलस पेपर, दिस इज एक्चुअली अ पेपर जो कि बहुत थिन होता है और ये पेपर आमतौर पर बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है और ये पेपर अगर हमारा कोई ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल ऑयली है या स्टिकी है या इंक वाला है तो उसको ये अपने ऊपर सोख लेता है, राइट, इसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ग्रीटिंग कार्ड। व्हाट इज ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड इज लाइक हम किसी को बधाई पत्र देते हैं, बधाई का कार्ड देते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, तो उसको ग्रीटिंग कार्ड बोला जाता है। एन नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड अवेलेबल इन द मार्केट, राइट, और ग्रीटिंग कार्ड्स हर तरह के कलरफुल और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ भी बने होते हैं, राइट। इन्विटेशन कार्ड, इन्विटेशन कार्ड यानी निमंत्रण पत्र, किसी को इनवाइट करने के लिए हमारे घर में कोई पार्टी है, हमारे स्कूल में कोई पार्टी है, हमारे किसी संस्था में कोई पार्टी है, कोई बिजनेस प्लेस पे कोई पार्टी है या कोई भी ओकेजन है, उसके लिए हम इनविटेशन कार्ड्स देते हैं, निमंत्रण पत्र या कार्ड देते हैं, पत्र या कार्ड देते हैं। नेक्स्ट इज विजिटिंग कार्ड। अब विजिटिंग कार्ड क्या होता है, विजिटिंग कार्ड इज कार्ड जो कि बहुत छोटे छोटे अवेलेबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए विजिटिंग कार्ड्स छपवाए जाते हैं, उसके ऊपर अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना नाम, सारी डिटेल्स दी जाती हैं